नया नया ताजा ताजा Redmi Note 10 के साथ आज होने वाला स्पीड टेस्ट Realme 7 का माल बासी नहीं हुआ है। 3-4 महीना पुराना डिवाइस है लेकिन अभी भी बहुत दम बाकी है। दोनों 6GB रैम वेरिएंट है एंड दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस टैग वाला स्मार्टफोन है। बहुत इंटरेस्टिंग, दोनों स्मार्टफोन का बैक प्लास्टिक का बना है। Realme 7 90Hz के साथ LCD पैनल ऑफर करता है एंड नया Redmi Note 10 60Hz के साथ सुपर AMOLED डिस्प्ले। Redmi Note 10 को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर ने, जिसके साथ GPU आता है एडेनो 612। Realme 7 फेमस है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के लिए, जिसके साथ GPU आता है माली G76। जब दोनों ही स्मार्टफोन को आप हाथ में लोगे तो एक चीज जरूर नोटिस करोगे, दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी आती है, लेकिन Redmi Note 10 मच स्लिमर मच लाइटर स्मार्टफोन है। दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X RAM मिल जाता है एंड UFS स्टोरेज 2.2 मिल जाता है Redmi Note 10 में, और Realme 7 में UFS 2.1। सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं, Redmi Note 10 में आपको Android 11 मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, बट MIUI 12.0.1.0 के साथ, और सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा जनवरी का। Realme 7 में अभी भी Android 10 बेस्ड OS Realme UI 1.0 देखने को मिल जाएगा फरवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रीन ऑन टाइम 5 मिनट सेट कर दिया है। Realme 7 अभी 90Hz पे रन कर रहा है। डेवलपर ऑप्शंस में विंडोज एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन एंड एनिमेशन ड्यूरेशन 1x जो डिफॉल्ट सेटिंग है इसी पे सेट कर रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है। तो गाइस स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोनों स्मार्टफोन को मैंने रिबूट कर दिया। Realme 7 ने 33 सेकंड्स लगाया बूट होने में और Redmi Note 10 ने 47 सेकंड्स, एक पॉइंट Realme 7 का। फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक Redmi Note 10 में काफी क्विक और एक्यूरेट लगा मुझे, लेकिन इस सेगमेंट में यानी इस प्राइस टैग के साथ Realme 7 वन ऑफ द बेस्ट है। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक में काफी क्विक है, 2-3 बार ही आप अगर दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड ट्राई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि Realme 7 फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों में ज्यादा क्विक ज्यादा फास्टर है। तो 2 पॉइंट और Realme 7 का। ओके, अब स्पीड टेस्ट। सेम वाईफाई नेटवर्क से दोनों स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लिया है एंड दोनों स्मार्टफोन में सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है। तो गाइज पहला ऐप सेटिंग्स में Realme 7 आगे निकल गया, एक और पॉइंट Realme 7 का। मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट बरकरार रहना चाहिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड अगेन प्ले स्टोर में Realme 7 फिर से आगे निकल गया, एक और पॉइंट Realme 7 5 पॉइंट्स, Redmi Note 10 nil। सेम वाईफाई की मदद से ये गेम 350 एमबी दोनों स्मार्टफोन में हम इंस्टॉल करके देख रहे हैं कौन पहले इंस्टॉल कर पाता है। अभी फिलहाल Realme 7 आगे निकलता हुआ दिख रहा है एंड फाइनली Realme 7 आगे निकल गया। गाइस फिर से एक और पॉइंट Realme 7 का, Redmi Note 10 83% पे रह गया। फाइनली Redmi Note 10 ने खाता खोल लिया YouTube ऐप से, एक पॉइंट, स्कोर हो गया 1-6। तो अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, बट इंस्टा में अगेन Realme 7 आगे निकल गया, एक और पॉइंट। और गाइज क्रोम ऐप में होम पेज पे नहीं था Realme 7, तो मुझे फिर से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, और फिर से ट्राई करने के बाद एक और पॉइंट Realme 7 का, Realme 7 8 पॉइंट्स और Redmi Note 10 1 पॉइंट। ओके रेडिट आगे निकल गया Note 10, एक और पॉइंट Note 10 का, Note 10 आ गया 2 पे, Realme 7 8 पे। ओके CPDD ऐप दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया ओपन करने में, बहुत क्लोज था, नो पॉइंट। एंड रीड एंड राइट स्पीड क्या आता है इस पे, एक पॉइंट बनेगा, तो लीजिए पॉइंट बन गया। सिक्वेंशियल राइट एंड रीड स्पीड Note 10 का ज्यादा आया, रैंडम राइट मोर और लेस दोनों का सेम दिख रहा है एंड रैंडम रीड स्पीड Realme 7 का ज्यादा आया, तो ओवरऑल स्कोर Note 10 का ज्यादा दिख रहा है, एक पॉइंट Note 10 का। पावर डायरेक्टर ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए पहले ओपन किया Redmi Note 10 ने, बहुत क्विकली, एंड गाइज एक पॉइंट बनेगा Note 10 का। अब मैं एक 2.5GB का फाइल है 4K वीडियो, जिसे मैं 1080p में कन्वर्ट करूंगा स्टॉपवॉच लगाकर। वाओ, तो इस बार Note 10 आगे निकल गया, 4K वीडियो पहले कन्वर्ट कर लिया, 8 मिनट 34 सेकंड लिया, और Realme 7 थोड़ा सा पीछे रह गया, 9 मिनट 20 सेकंड्स लगाया, 5 पॉइंट Note 10 का, 8 पॉइंट Realme 7 का।
अब वीडियो रेंडरिंग, रेजोल्यूशन 720p, बिट रेट, बिटो क्वालिटी और फ्रेम रेट 60fps। वीडियो कन्वर्ट करने में 45 सेकंड्स पीछे रह गया था Realme 7, बट वीडियो रेंडर करने में पूरा बदला ले लिया। 2 मिनट 7 सेकंड्स पहले कंप्लीट कर लिया टास्क एक पॉइंट Realme 7 का। Note 10 5, Realme 7 9। फोटोशॉप ऐप में काफी क्लोज था मामला, लेकिन थोड़ा सा आगे निकल गया Redmi Note 10 एक पॉइंट। और एक फोटो 26MB का मैंने ओपन किया, तो उसे ओपन भी पहले किया Redmi Note 10 ने एक और पॉइंट। एंड गाइस, उस पर मैंने एक इफेक्ट डालकर गैलरी में जब सेव करने की कोशिश की, तो इस बार Realme 7 आगे निकल गया एक पॉइंट Realme 7 का। Note 10 7 पॉइंट पे, Realme 7 10 पॉइंट पे। Geekbench ऐप दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन किया, तो नो पॉइंट। एंड गाइस, Geekbench टेस्ट जो था वो अगेन Redmi Note 10 ने पहले कंप्लीट किया एक और पॉइंट। और स्कोर भी Redmi Note 10 का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सिंगल कोर का भी और मल्टी कोर का भी, तो एक और पॉइंट Redmi Note 10 का। तो पहला गेम टेंपल रन में Realme 7 आगे निकल गया एक पॉइंट Realme 7 का। एंड गाइस, दूसरा गेम सबवे सर्वर में Note 10 इस बार आगे निकल गया Note 10 का एक और पॉइंट। एंड Note 10 आ गया 10 पॉइंट पे और Realme 7 है 11 पॉइंट पे। थर्ड गेम बीबी रेसिंग में थोड़ा सा आगे निकल गया Redmi Note 10, Note 10 का हो गया 11 पॉइंट, Realme 7 का भी है 11 पॉइंट। तो गाइस, पॉइंट्स हो गए इक्वल, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दो स्मार्टफोन इतना क्लोज चल रहा है, फाइट इतना क्लोज चल रहा है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही सॉलिड टक्कर दे रहा है। वाओ, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आगे निकल गया Redmi Note 10, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और देख सकते हो आप, काफी पहले ओपन कर दिया, कई सेकंड्स पहले इसने ओपन कर दिया, एक और पॉइंट बन गया Redmi Note 10 का। पहली बार Note 10 ने लीड ले लिया, Note 10 आ गया 12 पॉइंट्स पे और Realme 7 है 11 पॉइंट्स पे। अब मैं आपको ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखा देता हूँ। इस दोनों स्मार्टफोन में आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में सेम ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई तक और फ्रेम रेट मैक्स तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मैक्स सेलेक्ट करते हो तो ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई से हाई पे स्विच हो जाएगा ऑटोमेटिकली दोनों स्मार्टफोन में। ओके, तो ये है आज का लास्ट गेम PUBG कोरियन वर्जन। देखते हैं पहले कौन ओपन करता है, इसके बाद हम दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे और एंड में मैं दोनों स्मार्टफोन का आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर दिखा दूंगा। वाओ, सो डैम क्लोज गाइस, PUBG ऐसे गेम में भी ऑलमोस्ट दोनों सेम निकला, मतलब मैंने सोचा नहीं था। Helio G95 Realme 7 काफ़ी क्विक स्मार्टफोन है, ऐप ओपनिंग स्पीड काफ़ी इसका बढ़िया है और उससे काफ़ी सॉलिड टक्कर दिया स्नैपड्रैगन 678 ने। तो गाइस, अब रैम मैनेजमेंट, हम सारे ऐप्स को फिर से री ओपन करके देखेंगे। वैसे मैं आपको फिर से याद दिला दूं, दोनों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरिएंट है, Redmi Note 10 के पास है अभी 12 पॉइंट्स और Realme 7 के पास है 11 पॉइंट्स। गाइस, Realme 7 का रैम मैनेजमेंट इससे पहले जितना भी वीडियो मैंने अभी तक शूट किया स्पीड टेस्ट का, सारे वीडियोस में Realme 7 ने अच्छा परफॉर्म किया, चाहे 6GB रैम वेरिएंट हो चाहे 8GB रैम वेरिएंट हो। लेकिन आज की वीडियो में ये काफ़ी एवरेज सा लग रहा है, इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड बात करो अगर Redmi Note 10 की, तो MIUI का वैसे भी रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ भी ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस हो रहा है 6GB रैम के साथ। रैम मैनेजमेंट में दोनों ही बहुत ही एवरेज लगा, लेकिन अगर दोनों में से एक पिक करने की बात हो, तो मैंने जितना भी ऐप री ओपन किया, ज़्यादातर ऐप्स को Realme 7 ने पहले ओपन किया। Realme 7 ने टोटल 10 ऐप्स को पहले ओपन किया और Note 10 ने 3 ऐप को पहले ओपन किया। एक को मेरे से गड़बड़ हो गया था टच करने में और एक दोनों ने सेम टाइम पे ओपन किया। Redmi Note 10 का हो गया 12 पॉइंट्स और Realme 7 का भी हो गया 12 पॉइंट्स और Antutu स्कोर का एक पॉइंट बन जाता है Realme 7 का। काफी इंटरेस्टिंग स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सीपीयू स्कोर दोनों का लगभग सेम दिख रहा है बट जीपीयू स्कोर ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है Realme 7 का। ऑनेस्टली बताऊँ, स्नैपड्रैगन 678 से ऐसे परफॉर्मेंस का मैंने
एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया इसने एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसका ठीक ठाक रहा, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस डिवाइस से। लेकिन गेमिंग अगर प्रायोरिटी आपकी तो रियलमी 7 आपके लिए ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन है, एंड अगर मल्टीमीडिया प्रायोरिटी है यानी सुपर एमोलेड डिस्प्ले डुअल स्पीकर का मज़ा लेना है तो रेडमी नोट 10 ज़्यादा अच्छा डिवाइस है। ऐसा नहीं कि Redmi Note 10 में गेमिंग नहीं कर सकते, लेकिन गेमिंग प्रायोरिटी है तो Realme 7 ज़्यादा बेटर डिवाइस है, मल्टीमीडिया प्रायोरिटी है तो Redmi Note 10 ज़्यादा अच्छा चॉइस रहेगा आपके लिए। बाकी का इस चार्जिंग बैटरी एंड कैमरा से रिलेटेड वीडियो बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।